साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे बात करेंगे। पिछला वीडियो मैंने डाला था माल्टा से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था माल्टा का वीजा आप अप्लाई कैसे करें, विजिट वीजा में किस तरह से जाए, क्या प्रोसेस होता है। आप लोगों ने कमेंट किए, इसका आंसर मैं सेकेंड पार्ट में दे रहा हूँ। अगर आप माल्टा में जॉब करना चाहते हैं या विजिट वीजा लेना चाहते हैं, वीजा लेना, वर्क परमिट वीजा वगैरह किस तरह से होता है, सैलरी वगैरह कितनी क्या मिलती है, इस चीज में अपन आज बात करेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट वीडियो के हिसाब से आप माल्टा पहुंच गए। माल्टा पहुंचने में आपके पास 3 महीने का विजिट वीजा है। आप वहां पहुंचने के बाद आपको सिस्टम आपने सेट कर लिया, आपने रेंट वगैरह आप जहाँ रह रहे हो सेटिंग हो गए, फिर आपको करना है वहां पे जॉब सर्च। अब जॉब या तो आपका वहां पे कोई बंदा जानकार हो, या फिर आप किसी एजेंसी की मदद ले सकते हैं, या फिर आप किस तरह से ऑनलाइन वहां पे जाके सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, कंपनियों में इंटरव्यू वगैरह देके। वो आपका पर्सनल रहेगा, आप किस तरह से वहां पे सेटिंग करते हैं। ठीक है, जॉब सर्च करोगे, मान लीजिए आपको जॉब मिल गया, आपके पास 3 महीने का 90 दिन का विजिट वीजा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खर्चा जो लगना है वो आपका लगना है। आपके पास आप मान लीजिए किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू ने आपको सिलेक्शन सिलेक्शन कर लिया आपका, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपको कंपनी ने ऑफर लेटर दे दिया कि भाई ये हमारा ओरिजिनल ऑफर लेटर है, अपनी डील फाइनल हो गई। वो ऑफर लेटर लेने के बाद आपको क्या करना है, वो चीजें इंपॉर्टेंट आगे की है। ये सब मैं डॉक्यूमेंट कुछ बता रहा हूं, जिसमें ऑफर लेटर आपने साथ में ले लिया, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इंडिया का, मान आप इंडिया से गए हो ना अभी, तो वहां का तो एक्सपीरियंस होगा नहीं, इंडिया का एक्सपीरियंस आपके पास, डिग्री है कोई भी एक्स वाई जेड, ओरिजिनल डिग्री की बात कर रहा हूँ, डुप्लीकेट नहीं, जो ऑनलाइन चेक भी हो सकती हो, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, विजिट वीजा जो आपके पास है, आपका ऑफर लेटर जो कंपनी ने, वहां की कंपनी ने आपको दिया है। उसके बाद आपको वहां मेडिकल करवाना पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, वो मस्ट है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा। और जहां पे आप रेंट रह रहे हैं वहां का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तो आप अग्रीमेंट करवाइए या कुछ भी कीजिए, रेंटल एड्रेस आपका, ये सब डॉक्यूमेंट लेके, 4-5 डॉक्यूमेंट मैंने बताए, ये सब लेके माल्टा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। और ये डॉक्यूमेंट सब वहां पे सबमिट करवाने पड़ेंगे, फिर इनकी इंक्वायरीज होगी, प्रोसेसिंग होगी। इस प्रोसेसिंग में आपका वीजा एलिजिबल होता है तो 3 मंथ में आपका वर्क परमिट वीजा लग सकता है आपके पासपोर्ट के अंदर। जी हाँ साथियों, ये वीजा लेने का वैसे देखा जाए बोलने में इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल करोगे तो भाई पसीना यहां से आगे नीचे तक निकलता है, समझ गए बात को। ये आपका वीजा प्रोसेसिंग होने में 3 महीने का टाइम लग जाता है, पासपोर्ट में आपका वीजा ये मान लीजिए लग गया, ठीक है। इसका बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, अगर आपको माल्टा जाना है तो भाई इस बेस्ट ऑप्शन विजिट में जाओ, वहां जाके सब कुछ इंक्वायरी करो, घूमो फिरो, सिस्टम देखो, कंपनियों में कांटेक्ट करो, इंटरव्यू दो। आप एलिजिबल हो तो आपका इंटरव्यू 100% हो जाएगा, आप सिलेक्शन हो जाओगे, ऑफर लेटर लो, वेरी सिंपल। अब बात कर लेते हैं वीजा आपका लग जाता है, उसके बाद वहां पे सैलरी आपको क्या मिल जाती है। सैलरी मैंने जहां तक इंक्वायरी की है, 800-900 हजार यूरो तक आप सैलरी इसमें कमा सकते हैं, यानी 80,000 से 1 लाख रुपए तक आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपकी स्किल हाई है, आपकी जॉब थोड़ी अलग है, जैसे ऑफिशियल या कोई अलग डिपार्टमेंट में आ जाता है सेकेंड कैटेगरी के, तो उसमें आपकी सैलरी ज्यादा हो सकती है। मैं ये सैलरी नॉर्मल बता रहा हूँ, जिसमें मैं जॉब बताऊंगा कौन सी जॉब में ये सैलरी आपको मिल सकती है। पढ़े लिखे की सैलरी थोड़ा अलग होती है, वो तो सबको पता होता है। जॉब की बात करें, सबसे ज्यादा माल्टा एक टूरिज्म कंट्री है, तो होटल्स में आपको सबसे ज्यादा जॉब मिलेंगे, वेटर में सबसे ज्यादा जॉब मिलेंगे, क्लीनर साफ सफाई जैसा बंदा होता है उसके अकॉर्डिंग वहां पे जॉब मिल जाते हैं। पढ़ा लिखा बंदा है तो होटल में अच्छा जॉब थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा है 10वीं 12वीं इंग्लिश आता है तो आपको वेटर मिल जाएगा, थोड़ा बिल्कुल नहीं आता क्लीनर साफ सफाई वाला आपको जॉब मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन में आपको लेबर वर्क इसमें मिल सकता है। ये जॉब मस्ट है वहां पे, इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब मेन बात क्या आ जाती है, मैं मेन बात बता दूं जिसका हो सकता है आपने फिर कमेंट करोगे, खर्चा कितना आएगा। अब माल्टा के नाम से जहां तक मुझे पता है, मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आते रहते हैं, ये करो वो करो फलाना, हमारे पास ये काम है, अर्जेंट 4 से 5 लाख रुपए तक वसूल लेते हैं बंदे से। यार मलेशिया के नाम से लोग 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं, कुवैत के नाम से, दुबई कतर के नाम से 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख ले लेते हैं, माल्टा के नाम से 4-5 लाख रुपए लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एजेंट को जैसा बंदा दिखे ना टिक्का निकाल देते हैं, समझ गए। एजेंट के चक्कर में आओगे तो 4 से 5 लाख रुपए लगना है, लगने के बाद भी काम की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेजेबल हो, आपको सिस्टम का पता हो, आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, खुद खुद अप्लाई कीजिए, खुद सिस्टम को लीजिए, यहां से वीजा लीजिए, खुद वहां पहुंचिए, तो मेरे हिसाब से ये खर्चा आपका पता है कितना पैसा लगेगा, आधा जस्ट हो जाएगा, 2 से 2.5 लाख रुपए में आप अपना काम करवा सकते हैं।
जिसमें आपका वीजा, टिकट, आपका वहां का रहन सहन, आपका बैकअप भी हो जाएगा, पास में मनी भी रहेगी, कम आ जाए वहां पे खर्चा वगैरह, समझ गए, वहां की फीस वगैरह, ये टोटल खर्चा आपका 2 से 2.5 लाख में वहां पे आराम से आप वीजा जाके वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये प्रोसेस थी माल्टा जॉब से रिलेटेड, वीजा किस तरह से लिया जाता है, कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना खर्चा आता है, मैंने मेरे हिसाब से बता दिया। फिर भी कुछ बात हो तो आप कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, मैं आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज इसी तरह से वो टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।